सो हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग स्टोन मैसनरी के बारे में बात करने वाले। बहुत सारे इंजीनियर्स की डिमांड आ रही थी स्टोन मैसनरी से रिलेटेड, तो बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए है। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन मैसनरीज हैं। तो क्या क्या टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले इसको जो ये पहला पार्ट में आप देख पा रहे हो, ये आपका रैंडम रबल मैसनरी बोला जाता है इसको, रैंडम रबल। ठीक है, ये सारे आपके स्टोन मैसनरी के ही टाइप्स होते हैं। ये रैंडम रबल मैसनरी है, ये आपका कोर्स्ड रबल मैसनरी है कि देख पाएंगे आप कि ये एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। यहां पे आपका रैंडमली अरेंज किया गया है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका रैंडम एशलर मैसनरी बोला जाता है इसको, रैंडम एशलर मैसनरी। और ये वाली जो चीज होती है ये आपकी कोर्स्ड एशलर मैसनरी होती है, कोर्स्ड एशलर मैसनरी। तो ये सारी चीजें आपके स्टोन मैसनरी के टाइप्स ही होते हैं, बस इनके कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो बस एक वॉल्यूम से बस डिफर करता है, उसके कैलकुलेशन की बात अब आगे करने वाले हैं। तो बेसिकली ये चार टाइप के ही ज्यादातर मैसनरी आप देखेंगे स्टोन्स में। बात करते हैं इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन की, बट उससे पहले ये इतनी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको इमेज के फॉर्म पर भी दिखा रहा हूँ, पर सोचो ना अगर आप वहीं साइट पर खड़े हो और मैं साइट में खड़े होकर ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो क्या वो जल्दी कनेक्ट नहीं होगी आपसे? बस इसी सारी चीजों के लिए सिविल गुरुजी इंडिया की सबसे पहली फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका है, जिसमें रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप सेंटर्स लोकेशंस में जाकर अपनी ऑन साइट ट्रेनिंग कर सकते हैं और वहां पर जितने भी ट्रेनर्स हैं उनसे सीख सकते हैं साइट पर जाकर। तो बात करें कौन से लोकेशंस पे हमारी ब्रांच ओपन हो चुकी है, तो अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली, भिलाई, लखनऊ, मथुरा, जयपुर, पुणे, पटना, देख पा रहे हैं ये इतनी सारी ब्रांचेस सिर्फ आप लोगों के लिए हमने ओपन करी है, ताकि आप लोग जितने भी हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं वो इस चीज का फायदा उठा के अपने करियर में अपनी पहली जॉब पा सकते हैं। बिल्कुल भी देरी मत करिए, 1 सितंबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं पिछले कुछ डेटा की बात करूं तो ऐसे बहुत सारी हमारी ब्रांचेस हैं जो इतनी पैक्ड चल रही है कि आपको हो सकता है 2 महीने बाद के रजिस्ट्रेशंस मिले। तो अगर अभी उसमें 1-2 सीट भी बची होगी तो आप अभी कॉल करके उसमें 9111001234 पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन अपना कंफर्म कर सकते हैं और 1 सितंबर से अपनी बैच स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के ही साथ में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपके एप्लीकेशन में आपको प्री ट्रेनिंग कोर्सेस ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया आपकी ट्रेनिंग उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए, आज ही कराइए, प्री ट्रेनिंग कोर्सेस को पढ़िए, फिर जाके ब्रांच में जाने के बाद फिर आप साइट एक्सपीरियंस लीजिए, क्लासरूम एक्सपीरियंस लीजिए, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए। तो बिल्कुल भी ये सारी चीजों में देरी मत करिए, बहुत लिमिटेड इंजीनियर्स रहते हैं एक बैच में और 65% फीस आपको आफ्टर प्लेसमेंट प्रोवाइड करनी रहती है। तो अभी कॉल करें 9111001234 पे और अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली, भिलाई, लखनऊ, मथुरा, जयपुर, पुणे, पटना, ये सारे लोकेशंस में कोई भी एक लोकेशन में जाके आप अपनी 2 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या मिल रहा है, सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स का, जो कि ISO सर्टिफाइड तो है ही, उसके साथ में ही NBVET, उसके साथ में ही स्किल इंडिया वेरीफाइड भी है। तो अभी तक के अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस एक कॉल करिए और जानिए कि ये ट्रेनिंग आपके लिए क्यों जरूरी होने वाली है। तो तुरंत कॉल करिए या आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में जाके भी अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, बात कर रहे थे यहाँ पे हम क्वांटिटी सर्वे ऑफ स्टोन मैसनरी की। जब भी आप, सबसे पहले आपको बस यही जानना रहता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना है मेरा, वो डायरेक्टली आप लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके यहाँ पे इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी वॉल पे आपको स्टोन मैसनरी करना होगा। एक वॉल्यूम आ जाने के बाद जिससे हमको उसको जोड़ना रहता है, उसमें सीमेंट मोर्टार का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:3 से लेकर 1:4 तक का होना चाहिए। अब जब भी हम क्वांटिटी ऑफ स्टोन की बात करते हैं जिसमें आपके थ्रू स्टोन्स और वेस्टेज रहता है, जिसके लिए हमको उसमें 25% का वेस्टेज ऐड करना होता है उसके वॉल्यूम पे, तो ऑब्वियसली मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसमें होता है कि ये चीज की जो वॉल्यूम होता है वो आपका वेट होता है, और इस चीज में कन्वर्ट करने के लिए जिसमें आपके थ्रू स्टोन्स और वेस्टेज रहते हैं उसके लिए हमको ये 25% वेस्टेज बस ऐड करना रहता है। तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाता है 20 × 1.25। किसी भी चीज की वैल्यू को अगर 25% बढ़ाना है तो मैं डायरेक्टली 1.25 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब ये जो ट्रिक्स है, ये जो थंब रूल्स हैं, बस इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम मोर्टार की क्वांटिटी की बात करते हैं, मोर्टार की क्वांटिटी इसमें आपको एक थंब रूल है उसी से ही फॉलो करके आपको निकालना रहता है। तो जब भी हम रैंडम रबल मैसनरी की बात करते हैं, जैसे डायग्राम में हमने देखा था, उसके लिए जो हम क्वांटिटी लेते हैं मोर्टार की, वो लेते हैं 0.42 क्यूबिक मीटर पर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मैसनरी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे को 0.42 क्यूबिक मीटर मोर्टार लगेगा जब भी मेरा 1 मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, और अगर वो वॉल जो है उस पर आपको रबल मैसनरी करनी है, रैंडम रबल मैसनरी, तो उस केस में 1 मीटर क्यूब में आपका 0.42 क्यूबिक मीटर मोर्टार लगेगा, इसका मतलब यही है। और कोर्स्ड रबल मैसनरी में आपका 0.4 क्यूबिक मीटर, कोर्स एशलर मैसनरी में आपका 0.34 क्यूबिक मीटर पर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मैसनरी। बस इस चीज को हमको ध्यान रखना रहता है, बाकी सारी चीजें आपकी सॉर्टेड रहती हैं। यहां पे क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो भी वॉल्यूम होता है उसमें हमको 25% ऐड करना रहता है तो जाके हमको अपना रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिलता है। और ये सारी क्वांटिटीज जो इतनी सारी आप यहां देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये पूरी क्वांटिटीज को हमको बस ध्यान रखना रहता है जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे। अब यहां पे मेरे को पता चल गया कि सपोज मैं यहां पे आपका कर रहा हूं कि 0.42 मतलब रैंडम रबल मैसनरी कर रहा हूं, यहां पे अगर मेरे को रैंडम रबल मैसनरी करना होगा, ठीक है, रैंडम रबल मैसनरी, तो उस केस में जो मेरा वॉल्यूम होगा वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार वो आ जाएगा 20 × 0.42। ये 0.42 क्या है, ये ऑलरेडी हमने यहां पे देखा हुआ था कि ये जो रैंडम रबल मैसनरी है उसके लिए ये क्वांटिटी हम यूज करते हैं पर क्यूबिक मीटर में। तो हमारा जो वॉल्यूम आया था उसमें हमने 20 × 0.42 कर दिया, वहां से मेरा क्वांटिटी आ गया 8.4 क्यूबिक मीटर मोर्टार का। अब यहां पे मेरे पास एक वॉल्यूम है मोर्टार का 8.4 क्यूबिक मीटर, और मेरे को अगर सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालनी होगी कि कितनी होनी चाहिए, तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, या आई सेक्शन में जाके आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्योंकि मैं सीमेंट मोर्टार का रेशियो 1:4 ले रहा हूं, और अगर मैं सम ऑफ रेशियोज की बात करूं तो सम ऑफ रेशियोज आपका हो जाएगा 1+4 दैट इज 5। इसमें 1 जो रहता है वो पार्ट ऑफ सीमेंट और 4 जो रहता है वो पार्ट ऑफ सैंड होता है। तो ड्राई वॉल्यूम कितना आया मेरा डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए, इसको कर देंगे 8.4 इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट कितना है 1, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो से जो कि है मेरा 5, यहां से वैल्यू मेरे को क्यूबिक मीटर में आ जाएगी। अब कभी भी सीमेंट जो निकालते हैं वो बैग्स में निकालते हैं, तो जस्ट क्या करना है, यहां से केजी में जो भी हमारी वैल्यू क्यूबिक मीटर में आई है उसमें आपको सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है और 50 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक बैग सीमेंट का वेट 50 किलो का होता है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, और अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुरंत अभी ही ये कैलकुलेट करके आपके कमेंट सेक्शन में ये आंसर आ जाना चाहिए। सिमिलरली सैंड के लिए भी ड्राई वॉल्यूम कितना है मेरा 8.4, पार्ट ऑफ सैंड कितना है 4, और सम ऑफ रेशियोज कितना है 5। यहां से भी जो भी वैल्यू क्यूबिक मीटर में आएगी उसको आप अगर क्यूबिक फीट में निकालना चाहो तो जस्ट आपको 35.31 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा क्यूबिक फीट में। ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आपको जाके अगर देखना हो तो हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट बाय सिविल गुरुजी, अगर आप ये भी सर्च करते हैं
तो वहां से भी आपको सीमेंट सैंड की क्वांटिटी निकालना आ जाएगा। अभी फिलहाल बस हमको ये थंब रूल्स को जानना जरूरी था स्टोन मैसनरी के केस में। सो आई होप इंजीनियर्स आज का ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल और पसंद आया होगा। बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन करना ना भूले, 9111001234 पे कॉल करें और अपने नजदीकी ब्रांच से जाके अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, बने रहिएगा ऐसे ही सिविल गुरुजी के साथ।